वीरवार की सुबह मंडी शहर के साथ लगते पुलघराट में एनएच के निर्माण कार्य के चलते एक घर की छत पर एक बड़ी चट्टान गिरने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एनएच के निर्माण कार्य के चलते एक चट्टान घर के ऊपर गिरने से घर को काफी नुकसान हुआ है। उनके रसोई घर की दीवार, लेंटर और शौचालय को भारी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर ने घटना स्थल का दौरा किया, वही पीड़ित परिवार को मदद देने का आश्वासन भी दिया। साथ ही कंपनी को भी निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मापदंडों का पालन करने के निर्देश दिए गए। सुबह ही 5 बजे के लगभग जो नेशनल हाईवे मंडी से कोटली का बन रहा है, उसमें जो है अचानक ऊपर से पत्थर गिरने से, जो उनका कार्य चला हुआ है उस दौरान जो है बहुत बड़ा पत्थर गिरा और सड़क से गिरने के बाद जो है नीचे एक सुरेंद्र और रमेश, दो भाई हैं, उनके घर के ऊपर गिरा और उनके घर के जो है एक किचन की दीवार, लेंटर और ऊपर से नीचे गिरते हुए उन्होंने उनके टॉयलेट को भी ध्वस्त कर दिया। और गनीमत ये रहा कि अंधेरा था और लोग अभी उठे नहीं थे और घर के बीच में नहीं गिरा, और नहीं तो जान माल का भी उसमें खतरा हो सकता। और मुझे सुबह ही उन्होंने लगभग 6:30 बजे के लगभग उन्होंने इन्फॉर्म किया और मैं तुरंत स्पॉट पे गया और देखा कि वहाँ अगर इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया गया तो और भी जान माल के खतरे की आशंका रही। और मैंने एसडीएम साहब को भी सूचित किया और एसडीएम साहब भी तुरंत 7:30 बजे के लगभग वहाँ पे पहुँचे, 8 बजे के आसपास, और उन्होंने भी वहाँ का मौका किया और राहत और बचाव के लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए और उन्होंने बोला डिजास्टर और कंपनी से भी उनकी जो है मदद की जाएगी। और पहले उन्होंने गावर कंपनी के प्रबंधक से भी बात की और कहा कि तब तक इनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक कार्य नहीं करें। वही वार्ड पार्षद वीरेंद्र सिंह आर्य ने जिला प्रशासन और निर्माण कार्य के प्रबंधकों से मांग की कि पहले इन लोगों की सुरक्षा का प्रबंध करने के उपरांत ही कार्य शुरू किया जाए, क्योंकि इन परिवारों को जान माल का बहुत बड़ा खतरा बन गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।